हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। तो जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ सुबह सुबह का टाइम है, मैं बना रही हूँ सब्जी तोरी की। तो ये मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है और उसमें डाल दिया है जीरा। और जी, सुबह सुबह काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि दो दो बच्चों का लंच तैयार करना, फिर ड्यूटी वाले के लिए, तो बहुत काम फैल जाता है सुबह सुबह और किचन इधर उधर हो जाती है पूरी। और अब मैंने इसमें डाल दी है प्याज, और मैंने एक प्याज कट किया था बस, क्योंकि बच्चे भी थोड़ी सब्जी खाते हैं और मैं भी बहुत थोड़ी खाती हूँ, बस लंच वाले के टिफ़िन के लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है। बच्चे तो दोनों बिल्कुल ऐसे के ऐसे लेकर आते हैं थोड़ी थोड़ी खाने के बाद। और अब मैंने डाल दिए हैं टमाटर। तो जब तक टमाटर हमारे अच्छे से भून नहीं जाएंगे, मैश नहीं हो जाएंगे, तब तक हम इसको भाप लगाएंगे। और ये मैंने इसमें डाल दिए हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर, और डाल दिया नमक, और मैंने कुछ भी नहीं डाला क्योंकि ज़्यादा मसाला तीखा हम नहीं खाते हैं और बच्चे भी नहीं खाते हैं। तो अब ये भूनने के लिए रख दिया है, और ये भूनता रहेगा जब तक टमाटर बिल्कुल मैश ना हो जाएंगे। मैंने थोड़ा सा इसमें लहसुन जो कूट लिया था वही मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डालकर पानी डाल दिया है। और जब ये मैश हो जाएंगे अच्छे से तो इसमें डाल दूँगी तोरी, और जी सब्ज़ी हमारी बनकर हो जाएगी रेडी। और इधर मैं बना रही थी रोटियां, तो ये आटा लगा के मैंने एक डब्बा है प्लास्टिक का उसी में मैंने रख दिया था, क्योंकि पराती ज़्यादा बड़ी है तो वो हमारी किचन बहुत छोटी है, दिखाई दे रही होगी आपको, सारा इधर उधर बिल्कुल फैल जाती है सुबह सुबह। तो बस उस ये यहाँ मैं रोटियां बना रही हूँ, जो मैं रोटियां रखती हूँ वो कपड़ा मैंने साइड में रख लिया है, क्योंकि जब तवे से आती है हम गरम गरम किसी चीज़ पे रख देते हैं रोटी को, प्लेट में या बर्तन में, तो वो पसीज जाती है, तो इसलिए मैंने छोटे टावल ले रखे हैं, उन्हीं पे रोटी को रखती हूँ। और मैं चली गई अब फ्रिज के पास। तो जी, इधर मैं छोटी पराती भी ले आई हूँ क्योंकि उसमें मैंने सूखा आटा ना रखा है, जो हम रोटी को लगाकर पलोथड़ बोलते हैं, तो मैंने वही सूखा आटा जो साइड में रख लिया है उसी से लगा लगा के बेलती हूँ मैं। और मैं स्लीपर ही बेलती हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि मैं चकड़े पर बेलूँ, चकड़े आने की जगह नहीं है, है मेरे पास लेकिन यहाँ रखने की जगह नहीं है। और ये उधर मैंने रख रखा है अपना छोटा बर्तनों का स्टैंड, और बड़ा है वो अंदर रखा है, और जो ड्रॉर हैं उनमें रखे हुए हैं बर्तन सारे, और ये तो नॉर्मल जो छोटे मोटे डेली यूज़ के हैं वही रखे हैं। और अभी बस मैं थोड़ा सा जगह बना रही थी यहाँ, क्योंकि बच्चों के बॉक्स भी आएंगे लंच बॉक्स। तो अभी देखिए बस वन बाई वन करके बना रही हूँ।
तो जी हाँ, रोटियां मेरी लगभग बन चुकी हैं और साथ साथ मैं डाल भी रही हूँ यहीं, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट तो चाहिए, तो इसीलिए मैं साथ साथ डाल भी रही हूँ। मैंने लस्सी डालने के लिए इसमें डाल दिया है नमक, और दूसरे गिलास में मेरे लिए डाल ली है, तो उसमें मैंने नमक डाल दिया है, और अब डालूँगी उसमें जीरा। और लस्सी आई हुई थी घर से, तो बस जब घर से लस्सी आती है तो खाने का मन होता है, जब हम खुद बनाते हैं ना वो लस्सी ऐसी नहीं बनती इतनी टेस्टी, जो घर वाली लस्सी का टेस्ट अलग ही होता है। मैंने जो जीरा भून कर डब्बे में रख रखा है तो वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी लस्सी। तो ये देखिए, ये जो ऊपर का पानी आ रहा था वो मैंने उतार दिया, और अब बिल्कुल नीचे से गाढ़ी गाढ़ी बची हुई है, वही मैं गिलास में जो छोटा कप है इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेंगे, ड्यूटी वाले जाएंगे भी, मैं भी साथ साथ कर लूँगी, नहीं फिर मैं भी नहीं कर पाऊँगी, तो इसीलिए। और यहाँ रोटियाँ लगभग मेरी बन चुकी हैं, और ये देखिए घर के गेहूँ हैं और घर का पिसा हुआ आटा, कितनी फूली फूली रोटियाँ आती हैं। और तो यहाँ मैं रोटी सेक रही थी, क्योंकि मैं दूसरा चूल्हा नहीं जलाती हूँ, उसी में से उसी चूल्हे को यूज़ करती हूँ, हाथ में उठा लेती हूँ तवे को, और ये मैं प्लेट में रख दिया, क्योंकि मैं साथ साथ परोस दूँगी इनको, तो क्योंकि इनको ड्यूटी जाना है तो ड्यूटी प्लेट हो जाएंगे। और मैंने रख दिया है घी, सुबह सुबह गोपाल जी को भी भोग लगाना ज़रूरी होता है, तो उन्हीं के लिए भी मेरी जो पहले रोटी गई है वो गाय की निकल चुकी है, और अब गोपाल जी के लिए गई है घी रख के, जो हमारा भैंस का घी है गाँव का, वही हम यूज़ करते हैं ज़्यादा, डब्बे वाला घी हम नहीं खाते। और तो जी यही अब देख सकते हो, बस इतनी सी किचन है हमारी, बहुत छोटी किचन है, और बिल्कुल सामान इधर उधर हो जाता है, सुबह सुबह तो खड़े होने की जगह नहीं रहती। और जो रोटी में मैंने घी रखा था उसी से मैं दूसरी रोटी लगा दूँगी चुपड़ने के बाद, क्योंकि उस पर ज़्यादा घी था, और उनको परोस दूँगी। और ये देखिए मैंने वो रोटी भी चुपड़ दी है। तो जी हाँ, बच्चों के हो गए हैं लंच पैक, दोनों बहन भाइयों के टिफ़िन, और इतनी इतनी सब्ज़ी देती हूँ, इनमें से भी बचा कर लेकर आएंगे। ये है तोरी की सब्ज़ी, और इसकी दो रोटी हैं, उसकी एक है और फ्रूट लंच में ले जा रहा है नमकीन, और वो नमकीन लेके नहीं जाएगी। तो ये देखो, मैंने परसों इनकी मेहंदी लगाई थी, वो मेहंदी आज तक भी नहीं उतरी है, बिल्कुल रेड कलर आ गया उस मेहंदी। तो जी यहाँ हो गया शाम, और शाम के टाइम स्कूल से आने के बाद आरू कर रही है मस्ती, थोड़ा डांस कर रही है, और देखिए